神撒红阿拉德纳उपस्थिति के लिए यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं. इस सुबह के समय कितने लोग आनंदित हैं आराधना करने के लिए. कितने लोग आराधना करने के लिए खुश हैं आनंदित हैं. हालेलुया 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 हालेलुया. यीशु का उपस्थिति हमारे बीच में है. जो लोग यीशु की उपस्थिति के लिए आए आराधना के लिए आए सच में उनको वही मिलने वाला है जो आज वो सोच कर आए. हालेलुया हालेलुया. लेकिन आज कुछ उम्मीद से नहीं आए या सिर्फ मिलने आए या सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए आए तो सच में परमेश्वर ने आज आपके लिए अद्भुत रखा है. हालेलुया हालेलुया. कितने लोग हैं जो सिर्फ यीशु की उपस्थिति में को महसूस करने के लिए यीशु की उपस्थिति को पाने के लिए और आज से कुछ बदलाव को लेके जाने के लिए आए हैं. हालेलुया. हाथों को ऊंचा उठाकर यीशु को धन्यवाद करें. हाथों को ऊंचा उठाकर अपने मुंह को खोल के उसको धन्यवाद कहें. धन्यवाद यीशुआ धन्यवाद यीशुआ. अपने मुंह को खोल के उसको स्तुति और आराधना दें.
अपने मुंह को खोल के उसको स्तुति और आराधना दे. थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस. आपकी अद्भुत करुणा प्रभु जी हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है. हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु. हम जब भी आपको पुकारते हैं आप हमारे बीच में आते हैं यीशु मसीह. हम आपके बेटे और बेटी हैं यीशु मसीह. हमेशा आप हमसे प्यार करते हैं, हमेशा आप हमें चाहते हैं. उसको धन्यवाद कहें, उससे प्यार करें. यीशुआ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशुआ मैं तुझसे प्यार करता हूँ. थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु. तेरे को जितना धन्यवाद करें उतना कम है यीशु मसीह. अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले कुछ देर, उसको धन्यवाद स्तुति और आराधना अपने शब्दों में करें. रिबासनेरिए और फार खेरियानाशने रियानासने रियानासदा और फार बाशने सने रियास्ता रियान और फार रियानासने. हालेलुया हालेलुया. बहने दे उस हवा को छूले हरे फिर से तू अब
भी हो तू साथ है सदा, मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। सोचता मैं था, सोचता मैं था, तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ।
से प्यार करता हूँ यीशु, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा फिर जी उठा, कोई नहीं, तुम सा
Yeshua. यीशु का नाम की महिमा करे, अपने मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद करे। ओ यीशु मेरा साथ है, ओरी बारा मसे दिया तरे, आत्मा में गाना रियांगो रबामा मामा से लमोरो सके रियांगा रबामा Satya Doro Mama Mase
ಜನ ರಂಗ ಜನ ಗಡ್ತರ ಈ ಬಾಲವ ರಾಜನ ರಂಗ ಜನ ಹತ್ತರ ರಾಜನ ಉತ್ತನ ರಂಗ ಜನ ಶ್ರೀಗಡಾಲವ ಹತ್ತರ ರಂಗ ಜನ ಉರಗಣ ರಾಜನ ರಂಗ ಜನ ಗಡತನ ರಂಗ ಜನ ಶವಾಲವ ರೀಯ ತಾಲಂ ಜಾಲಂ ಕಾಲವ ಶ್ರೀ ಬಾಲವ ರಂಗ ಜನ ರಂಗ ಜನ ಹತ್ತರ ರಂಗ ಜನ ಶಬ್ದರ ರಂಗ ಜನ ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಜಾಲಂ ಕಾಲಂ ಧೀರ ತಾಲಂ ಜಾಲಂ ಕಾಲಂ ಶವಾಲ ತೀರ ತೇಲೆ ಶೆಕೆನೆ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಕೆಲೆ ಕೆರಿ ಕೆನೆ ಕೆರಿಯ ತೇಲೆ ತೇರೆ ತೇರೆ ಶವಾನ ತೀರ ತಾಲಂ ತೀರವ ಲಗನ ಗಡತನ ರಂಗ ಜನ ಶ್ರೀವಾಲಂ ಜಾಲಂ ತಾಲಂ ಧೀರ ತಾಲಂ ಜಾಲಂ ತಾಲವ ಶ್ರೀವಾಲವ ಹತ್ತರ ರಂಗ ಜನ ರಿಯ ತಾಲಂ ಧೀರ ತೇರೆ ಶವಾನ ತೀರ ತೇರೆ ಶಕರೆ ಜನ ರಗ ಜನ ಹತ್ತರ ರಗ ಜನ ರೀಯ ಕಾಲವ ರಗ ಜನ ರೀಯ ತೇರೆ ತೇರೆ ಶವಾನಂ ತೀರ ತೇರೆ ಚೊಕೋಲೋ ಕೋರು ಕೋಲು ಕೋರು ರೊಕ್ಕೋ ನೊಕ್ಕೋ ರೋಮೆ ಶ್ರೀವಾಲವ ರಾಜನ ರಗ ಜನ ಶಕ್ತನ ರಗ ಜನ ರಗ ಜನ ಹಳ್ತರ ರಗ ಜನ ಉರಗಣ ರಗ ಜನ ರಾಜನ ಶ್ರೀವಾಲವ ರಕ್ತನ ರಗ ಜನ ಹತ್ತರ ರಾಜನ ರಂಜನ ರಗ ಜನ ಶ್ರೀವಾಲ ಗಾಲ ಕಾಲ ತೀರ ಕಾಲಂ ಜಾಲ ಕಾಲಂ ಶವಾನಂ ತೀರ ತೇಲೆ ರೆಕ್ಕೋ ನೊಕ್ಕೋ ರೊಕ್ಕೋ ನೊಕ್ಕೋ ಶ್ರೀವಾಲಂ ತೀರ ತೇಲ ಕೇರಂ ತೀರ ಕಾಲಂ ಜಾಲ ಕಾಲಂ ಜಾಲ ಕಾಲಂ ಕಾಲಂ ಶವಾನಂ ತೀರ ತಾಲಂ ಧೀರ ತಾಲಂ ಧೀರ ತೇಲೆ ಶೆಕೆನೆ ಕೇಲೆ ಕೇರೆ ಕೇರಿ 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 ಒತ್ತಿ ರೆಕ್ಕೆ 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 ರೊಕ್ಕು ಶ್ರೀವಾಲನ್ ಶಬ್ದ ರಾಜನ್ ಧೀರವ ರಾಜನ ರಗ ಜನ ಶಬ್ದರ ರಿಗ ಜನಗಣ ರಗ ಜನ ಹಂಸರ ರಗ ಜನ ಶಬ್ದರ ರಗ ಜನ ರಾಜನ ರವಲಾಡರ ಹಂಸರ ರಗ ಜನ ಉರಗಡ ರಾಜನ ರಗ ಜನ ಗತ್ತರ ಶ್ರೀವಾಲಂ ಧೀರ ತೇಲೆ ರೆಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕು ಶ್ರೀವಾನಂ ಶಬ್ದರ ರಾಜನ ರಗ ಜನ ರುಜನ ಹಂಸರ ರಗ ಜನ ಶಿವಾಲಂ ಧೀರ ತೇಲೆ ರೊಕ್ಕು ರೊಕ್ಕು ರಿಕ್ಕೆ ನೆದ್ದೆ ಪ್ರವಾಲಂ ಶಬ್ದರ ರಾಜನ ನೀಲವ ರಾಜನ ಹಂಸರ ರಗ ಜನ ಶ್ರೀವಾಲವ ರೀಯ ತೇಲೆ ಶಕೆನೆ ಕೇರೆ 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 ರೆಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕು ರೊತ್ತೆ ಶ್ರೀವಾಲಂ ಜಾಲವ ರಜನ ರಗ ಜನ ಭಾರತ
glory come, the nation of India. Let your glory come, let your glory come, let your glory come, the nation of India. Jesus, you are the Lord of lords and the King of kings, Jesus. Jesus, we worship you. Yeshu Masih, hum aapki aaradhana aur mahima karte hain. Aap aaradhana ki yogya hai. Aap mahima ki yogya hai. Aap stuti aur prashansa ki yogya hai. Sari aadar, sari mahima, sari prashansa hum aapko dete hain. Hum Bharat mein aapke aashish bolte hain. भारत के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, हर एक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे पिता उनके जीवन में आपकी दया और करुणा बरसा दे, हमें उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और परमेश्वर की सच्चाई और प्रेम से वो भर जाए, परमेश्वर के ज्ञान उनके जीवन में आ जाए, इस देश आशीषित हो जाए. हम उनके ऊपर आशीष बोलते हैं. लॉर्ड, योर सर्वेंट्स बी ब्लेस्ड. हमारे देश की अधिकारी लोग आशीषित हो जाए. पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे. प्रभु, इस देश के ऊपर आपके अनुग्रह और दया बरसा दे. 135 करोड़ आबादी यीशु के नाम से आशीषित हो जाए. वी ब्लेस दिस नेशन फॉर द ग्लोरी ऑफ द लिविंग गॉड. प्रभु, आपने इसे कर दिया, धन्यवाद. सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं. ऑनलाइन में हमारा साथ आराधना करने वाला प्रिय भाई बहन, किसी भी राज्य में हो, देश में हो, प्यारे पिता उन्हें भी हम आशीष देते हैं. उनके परिवार, उनकी कलीसिया, उनके आसपास के लोग यीशु के नाम से आशीषित हो जाए. आपने ऐसे किया, धन्यवाद. यीशु के नाम में कलीसिया मिलकर बोले आमेन, आमेन. कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए. हालेलुया, आमेन. कितने सब लोगों को बैठने के लिए जगह मिल गया. ओ वंडरफुल, अद्भुत बात है. आमेन. आज बैठने के लिए जगह मिल गया, वो तो अद्भुत बात है. हालेलुया. आपके पास का व्यक्ति को बोलो, यीशु आपको बहुत प्रेम करते. आमेन. आपने देखा उनके चेहरा कौन है? आपका सामने बैठा हुआ व्यक्ति को देखा. ऐसे नहीं बोलना, देख के बोलो, यीशु आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप बहुत सुंदर हैं. यू आर सो ब्यूटीफुल टुडे दिस मॉर्निंग. हालेलुया, आमेन. हालेलुया. हम इस चर्च में जब आते हैं, हम भोज के साथ नहीं. यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा सारे भोज मुझ पर डाल दो. पास के व्यक्ति को बोलो, भोज लेके बैठना नहीं, यीशु पर डाल दो, आराम पाओ. यीशु ने कहा, भोज से दबे हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम. पास के व्यक्ति को बोलो, यीशु का पास आया है विश्राम पाना है. यीशु विश्राम देते हैं. भोज से आजाद हो जाइए, पाप का बोझ से, पारिवारिक समस्या की बोझ से आजाद हो जाए. पास के व्यक्ति को बोलो, आजादी यीशु में है. यीशु में आजादी है, यीशु में चंगाई है, यीशु में छुटकारा है. आपके असंभव संभव में बदल जाएगा. पास के व्यक्ति को बोलो, यीशु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है. आपका पास के व्यक्ति को बोलो, विश्वास करिए, असंभव संभव में बदल जाएगा. यीशु का नाम से असंभव संभव में. हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की. आमेन. यीशु के पास आते ही आपका जीवन के असंभव यीशु को देना है. यीशु को बोलना है, अब मेरे से नहीं हो सकता, आपसे हो सकते हैं. बोलो, मेरे से नहीं हो सकता, यीशु से सब कुछ. आमेन. कुछ लोग असंभव का साथ आया ना, मेरा जीवन में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये समस्या. अब बोलो, यीशु आप ले ले, आप कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो सकता. जब परमेश्वर बोलेंगे, यस आई विल डू,
मैं आपके लिए करूंगा, प्रभु के पास देना। इसलिए बोला यीशु ने, बोला है मेरे पास लेके आओ तारा सारे समस्या सारे बोझ, यीशु आपका जीवन में अद्भुत करेंगे। आमीन। कुछ लोग आज पहली बार है अपने हाथों को उठाए, अगर फर्स्ट टाइम आया है वंडरफुल, आप अपनी जगह में खड़े होकर आपका परिचय करा देंगे, आपका नाम बोले, आप कहाँ से आया। यस, जल्दी से आपका नाम। शिप्रा दत्ता, प्रभु आपको आशीष करे। शिप्रा। सरोज, प्रभु आपको आशीष करे। सरोज बैठे। यस ब्रदर, आपका नाम। किशन, कहाँ से? चाणक्यपुरी से ब्रदर किशन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर किशन, प्रभु आपको भी आशीष करे। साइन ग्लोबल वर्शिप सेंटर, इस परिवार, इस प्रिय लोगों को ताली बजा के हम आपको स्वागत करते हैं, प्रभु आपको आशीष करें। और किसी के जीवन में ऐसा कोई टेस्टिमनी है यीशु की महिमा के लिए आप बोलना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गवाही बोलना चाहते, छोटा शब्दों में जल्दी से बताए। प्रभु यीशु मसीह, पास का व्यक्ति को बोलो यीशु अद्भुत करते, यीशु अद्भुत करते हैं। यस, पिछले दिनों में मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाही हुई है। एक्चुअली में हमने कमेटी डाल रखी थी, तो कुछ जिन रिलेटिव के थ्रू हमने कमेटी डाल रखी थी, उन्होंने चुपचाप बैठा ली और कम से कम 9 महीने से हमें पागल बना रहे थे कि मतलब कि आज ले लेना कल ले लेना। और पिछले दिसंबर की बात है ये, वो कमेटी हमने अपनी शॉप के लिए डाली थी कि शॉप ओपन कर लेंगे अपनी, तो वो नहीं हो पाया पॉसिबल। तो फिर मैंने मम्मी से बोला, मैंने मम्मी कैसे होगा अब, तो मम्मी बोली कोई नहीं बेटा प्रभु पे विश्वास कर, सब कुछ होगा जो भी हो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, शायद उनको हमसे ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसों की, तो मैंने कहा हम आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं इनको छोड़ते हैं, इस कमेटी के पैसे को सब छोड़ते हैं। तो फिर हम मतलब जिनके साथ हमारी शॉप चल रही थी उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही थी। मैंने कहा अब तो शायद हमें कुछ ना कुछ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो हम, मैं और मेरे पापा हर संडे मतलब 3-4 बारी हम लोग ऐसी शॉप सर्च करने गए, तो देखने गए तो पैसे थे हमारे पास बहुत ही कम थे। मैंने कहा कैसे होगा कैसे नहीं। तो पिछले सितंबर की बात, ये 19 सितंबर की बात है, तो मेरे भाई ने लोन के लिए अप्लाई कर रखा था, तो लोन वाला कह रहा था कि आपको पैसे मिलेंगे तो ये 15 तारीख को मिलेंगे, यही वाली है 15 को। तो उससे पहले ही पता नहीं कैसे क्या हुआ, हमने बोला कि प्रभु कैसे होगा कैसे नहीं। शॉप हम देखने गए सुशांत लॉक में, तो उधर देखने गए तो छोटा भाई कहीं गया हुआ था, तो हम पापा कहते हैं अरे तू उसको एडवांस दिया वरना वो बुक हो जाएगी। मैंने कहा प्रभु की जो योजना होगी ना वही होगा, हम ऐसे नहीं कर सकते, जो मेरे मार्गदर्शन खोला है प्रभु ने, जो उसकी योजना होगी वही होगा। तो ऐसे करके मैं घर पे आ गया, मतलब पापा 3-4 बारी कई बारी लड़ पड़े इस बात पे। तो मेरा छोटा भाई जब मैं घर से आया तो मैं उसको दिखाने लेके गया, मैंने कहा भाई देख ये शॉप है सही चलेगी, कॉम्प्लेक्स था काफ़ी अच्छा। तो कह रहा कि भैया थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे उसके अंदर। मैंने चल कोई नहीं, तो वो ATM में से पैसे निकालने गया था एडवांस देने के लिए। इतनी देर में मेरे पास कॉल आता है कि पुनीत कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं तो शॉप के लिए आया हूँ। और कर तुमने शॉप ले ली? मैंने कहा नहीं अभी नहीं। कर आप एक काम करो DLF Phase 3 की तरफ जाओ आप। मैंने कहा कनिक्स एक मिनट रुक जा, अभी एडवांस मत देते हैं, अभी एक मिनट DLF Phase 3 चलते हैं। हम DLF Phase 3 में गए 19 तारीख को, तो मतलब उससे भी कम रेट में शॉप मिली, प्लस वहाँ पर 2 मंथ का एडवांस देना पड़ता है, 1 मंथ का 2 मंथ की सिक्योरिटी 1 मंथ का एडवांस, और उधर 1 मंथ की सिक्योरिटी और 1 मंथ का एडवांस देना पड़ा। तो 19 फिर हम घर पे आके देख दाख के आ गए। फिर शाम को हमने सोचा, मैंने कनिक्स एक काम करते हैं एडवांस दे ही आते हैं। एडवांस दे भी आए, मम्मी बोल रही पैसे तो हमारे पास बहुत ही कम है कैसे होगा आगे। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं देखते हैं हो जाएगा जो भी कुछ होगा। ऐसे करके फिर वो लोन वाला जो बंदा था उसने कहा कि भैया मैं जल्दी नहीं दे सकता आपको चेक क्योंकि मेरे भी जॉब का खतरा है। मैंने कहा चलो कोई नहीं देखते हैं। फिर भी हमने एडवांस दिया है उनको। एडवांस देने के बाद मम्मी ने किसी से बात करी थी पैसे के लिए 30 तारीख को देने के लिए। उन्होंने 30 तारीख को उन्होंने इस तरीके से बोला कि नहीं देखते हैं कन्फर्म नहीं है। मैंने कहा मम्मी कैसे हो गया एडवांस दे आए हैं
और कम से कम वो भी है, कैसे सिक्योरिटी देंगे, क्या सब कुछ है, रेंट स्टार्ट हो जाएगा। इतनी देर में मतलब जो चेक वाले का फ़ोन था 27 को ही कॉल आ गया कि भैया अपना चेक ले जाओ। तो मतलब प्रभु ने बहुत अच्छी जगह पर शॉप दिया, उम्मीद से बढ़ के दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, आपके व्यक्ति को बोलो हम मांगने से और सोचने से बढ़कर प्रभु हमारा जीवन में जो है वो कार्य करते। जल्दी से जल्दी से। सब लोगों को जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे गवाही के योग्य ठहराया, आज मुझे गवाही का मौका मिला है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये बुधवार की गवाही है। जब मैं काम पे जा रहा था तो रास्ते में मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था कि मुझे बिस्कुट चाहिए, तो मैंने बोला चलो इधर से दुकान है तुम्हें बिस्कुट किन देता हूँ। तो जैसे मैं उसको लेके गया दुकान पे, तो मैं उसको बिस्कुट खरीद ही रहा था तो एक घर से आवाज़ आया, रोने का आवाज़ आया, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरी बार आया, उसकी स्त्री थी, वो और ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैं बोला क्या हो रहा है प्रभु, मैंने ऐसे सवाल किया प्रभु ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा 3-4 साल का था, वो हाथ में ऐसे करके रखा हुआ था और बोल रही थी कि मर चुका है, बिल्कुल मर चुका है। फिर जैसे वो नीचे लाई तो मैंने बोला प्रभु ये क्या हो रहा है, और मेरे मन में कुछ ऐसा ख्याल हो रहा है कि तू उसे छू। मैं बोला प्रभु इतने भीड़ आ गए, इतने कम से कम 100 आदमी वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, तो मुझे उस भीड़ को फिक्र नहीं थी, बस बच्चे को मैंने बस नज़र था कि मैं बच्चे को कैसे भी छू लूँ। जैसे मैंने बायां हाथ पकड़ के देखा तो उससे सब कुछ बंद था, एकदम कुछ भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब मर गया था बच्चा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं आत्मा में प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करते करते कोई आदमी आया, बोला अरे बच्चा तो जीवित है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो मरे हुए बच्चा जिंदा है। पास के व्यक्ति को बोलो अद्भुत अद्भुत, पास के व्यक्ति को बोलो अद्भुत अद्भुत अद्भुत, हालेलुया, बोलो असंभव संभव में बदल जाते। प्रभु का धन्यवाद। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो, जल्दी से बोलो, छोटा शब्दों में बोलो जल्दी। मैं पहले यहाँ पर, मुझे एक सिस्टर के थ्रू आई थी मैं, उन्होंने मुझे हमेशा बोलती थी पर मैं आ नहीं पाती थी, किसी कारण शैतानी शक्तियों ने इतना घेरा हुआ था, मैं बहुत परेशान थी अपनी लाइफ में। जब से यहाँ आई हूँ तब से बहुत खुश हूँ, पता नहीं क्या खुशी मिल रही है मुझे, मुझे अच्छा फील होता है। और कुछ लोग मेरे से कहते हैं तूने धर्म बदल लिया, मैंने कहा जी आप कुछ भी समझो, पर अब जो कर लिया है ना अब उसे ही करना है, हमेशा प्रभु को माना है और प्रभु को ही मानना है, क्योंकि मुझे कहीं से कोई खुशी ही नहीं मिली, कहीं से कोई खुशी नहीं मिली मुझे, पर यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है मुझे। आमेन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, वो खुशी किसका है, बोलो यीशु में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद होता है। आमेन, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। सिस्टर समय की कमी है, छोटा शब्दों में बताना है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरे घर में ना 4-5 महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा, कॉर्पोरेट सेक्टर डाउन हो गया, बेटे का काम बिल्कुल ना के बराबर, इतनी नौबत आ गया कि मार्केट में फाइनेंशियर से बात करनी पड़ी पैसे के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं, वी डोंट हैव एनीथिंग इन द हाउस। इधर आते आते रुक जाती थी, नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी ये बोलती थी मैं। एक दिन ऐसे गुस्से में क्या परेशानी में, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, लेटी सुबह उठी, मैं कहा अगर आप मेरे को कुछ करना चाहते हो तो मेरे बेटे को मार्केट में फाइनेंस लेने से बचा दो, क्योंकि चेक साइन वाइन करना मैं देना नहीं चाहती। इनको भी मैंने बोला, पापा को भी। विद इन 2-3 डेज एक टेलीफोन आना शुरू हो गया, 2-3 दिन रेगुलर कॉल आई, मैंने उसको उठाया नहीं, अननोन नंबर था, मैं कहा मैं नहीं उठाती, नितिन है नहीं। लकीली नितिन घर पर था, रात को 11-12 बजे तक फ़ोन आया, बेटे तुम उठाओ, कहते मम्मी इतना कुछ फ़ोन कर रहा है कोई ना कोई जान पहचान का है। फ़ोन आया, इसने फ़ोन उठाया तो उसने बोला, कहते हैं बेटे आप चतुर्वेदी साहब के बेटे बोल रहे हो, इसने कहा हाँ जी, कहते आपकी मम्मी कहाँ है, इसने मेरे को फ़ोन दिया, कहते हम आपके इन लॉज से बोल रहे हैं, आपकी जान पहचान के नहीं हैं, उनके किसी दोस्त के। मैं क्या बोलिए काम क्या आप ये बताइए, कहते मैडम आपके हस्बैंड के हम फ्रेंड बोल रहे हैं, गाँव में रहते थे ना ये पहले, कहते आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी निकली, मैं कहा उनकी तो कोई प्रॉपर्टी थी ही नहीं, इतने साल पहले कुछ था, उन्होंने कहा कुछ था पता ही नहीं। कहते 40 साल के बाद इस जगह कंप्यूटर्स आए हैं और कंप्यूटर में आपके हस्बैंड का नाम आया, मैंने बोला वो कैसे, थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ। कहते ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, छोटे से प्लॉट्स निकले हैं, 24 बीघे का था वो, हमें उस साइड की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। कहते आपके नाम पे जो आएगा मैं उसके सारे रजिस्ट्री करवा के आपको भेज रहा हूँ। मेरे को फिर विश्वास नहीं है कि अचानक ही कौन आ गया,
उसने रजिस्ट्री करवाया, नितिन का नाम वगैरह पूछा, मेरा भी नाम लिया, सब रजिस्ट्री करा के कोर्ट के घर पे भेज दिया। मैं कहा नितिन ये क्या हो गया चमत्कार। फिर हमने उसको फ़ोन लगाया, वो कहता है कि आपके नाम से 22 लाख रुपया निकला है। लेकिन इतना लोग बीच में पड़ गया कि मुश्किल से आपको 7-8 मिलेगा, क्योंकि कहते हैं प्रॉपर्टी के नाम से मुर्दे भी जाग जाते हैं। हमने कहा जो भी मिले शांति से मिल जाए, हम लोग खुश हैं। तो नितिन अभी गया था, टोकन मनी ले आया, अभी नेक्स्ट मंथ जाएगा, बाकी पैसे ले आएगा। हालेलुया, बोलो असंभव संभव, बोलो ही से मिरेकल वर्किंग गॉड, बोलो मेरा परमेश्वर चमत्कार का परमेश्वर। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। पास का व्यक्ति को बोलो असंभव संभव में बदल, फुल टू जीसस। आमेन, बोलो असंभव संभव में बदल जाते। आमेन, प्रभु हमें आशीष करे। इस समय परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए अवसर है, आनंद और हर्ष के साथ बोना है। पास का व्यक्ति को बोलो बोने वालों के लिए बीज, खाने वालों के लिए रोटी परमेश्वर देते हैं। बोलो परमेश्वर देते, बीज बोना है ताकि आने वाला दिनों में हम बहुत आय से काटें। बाइबल कहते पहला उपज दे देकर प्रभु को आदर करना, ये परमेश्वर को आदर करने का समय है। आनंद के साथ करें, प्रभु आपको आशीष करें। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, वो तेरे पांव को फिसलने प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का द्वारा हमें मिला हुआ स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीष के लिए धन्यवाद। क्रूस पर यीशु हमारे लिए कंगाल हो गया, हम यीशु में धनी हो गया। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हमें मिल गया है। हमारा द्वारा पृथ्वी का सब जाति का लोग आशीषित हो जाएंगे, ये वायदा आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। अब हम में से कोई भी उधार लेने वाला नहीं, बहुत जातियों को उधार देने वाला आपने बना दिया। धन्यवाद, महिमा आपको मिले यीशु का नाम में। आमेन एंड आमेन। प्रभु हमें आशीष करे। परमेश्वर का वचन कितना लोग सुनना चाहते हैं। हालेलुया, आज हमारा मध्य में बहुत सारे अभिषिक्त लोग हैं। आमेन। ब्रदर मनु वाइवाम का केरला का
डायरेक्टर है, और ब्रदर पास्टर मनु के लिए धन्यवाद करता हूँ। पास्टर पीजे जॉर्ज हमारा मध्य में है, वो एक अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का डीन रहा, अभी एक ह्यूमन रिसोर्स का जो डायरेक्टर है। परमेश्वर पास्टर को भी हमारा मध्य में लेके आया, और पास्टर दानियल वर्गीस हमारा मध्य में है, वो यूएई एक्सचेंज का जो फाउंडर है, इज अ फाइनेंस मैन, एक बैंक का जनरल मैनेजर रहा। इन सब लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आज परमेश्वर हमारा मध्य में लेके आया, हम इन्हें स्वागत करें और हम भजन से सुनेंगे। आमीन। पास्टर दानियल वर्गीस हमसे बात करेंगे, प्रभु की वजन से हमें बात करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा शिल्पा वो हिंदी में अनुवाद करें। शिल्पा अंडा, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वी ऑल हैव सम प्रॉब्लम और द अदर, राइट? एवरीवन हैज वन इश्यू और द अदर, राइट? हम सबके पास कोई ना कोई मुश्किल होती है, सबके पास कोई ना कोई जरूर होगी। If you have any issue, lift your hand. अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल है तो अपना हाथ उठाएंगे। If you have any need, lift your hand. अगर आपके जीवन में कोई जरूरत है तो हाथ उठाएंगे। If you have any dream, lift your hand. अगर आपके जीवन जीवन में कोई सपना है, कोई दर्शन है तो हाथ उठाएंगे। So we all have some need or the other. तो इसका मतलब है हमारे जीवन में कुछ ना कुछ जरूर जरूर है। Now we have to see what God is talking to us. अब हमें देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। Philippians 4:19 said. फिलिपियों 4 का 19 कहता है। Don't take. I will keep going because we have only few minutes. हमारे पास कुछ ही क्षण है, इसलिए आप निकाले नहीं, मैं चलता रहूंगा। My God shall. मेरा परमेश्वर supply all your need. According to his riches in glory. परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। Can you believe that? क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? विश्वास कर सकता है? मजबूत, एकदम तमाम, wonderful, wonderful, wonderful. अद्भुत। Now tell the Lord. अब परमेश्वर से कहें। Thank you for. धन्यवाद। Giving me my dream. मेरे सपनों को देने के लिए धन्यवाद। Thank you for. Giving my desire. मेरी इच्छाओं को देने के लिए धन्यवाद। Thank you for supplying my finance. मेरे आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके लिए धन्यवाद। I will not borrow. मैं उधार नहीं लूंगा। I will be lender. मैं देने वाला बन जाऊंगा। I will not borrow. मैं उधार नहीं लूंगा। I will not steal. मैं चुराऊंगा नहीं। I will not lie. मैं झूठ नहीं बोलूंगा। I will be true. मैं सच्चाई में रहूंगा। Because you are true. क्योंकि आप एक सच्चाई हैं। My problem. मेरी परेशानी. Is not bigger. वो बड़ी नहीं है। God is big. लेकिन परमेश्वर बड़ा God is big. परमेश्वर बड़ा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। God's name is above your need. परमेश्वर का नाम आपकी जरूरतों से ऊंचा है। If you have a need, अगर आपके पास एक जरूरत है, take the name of Jesus. तो यीशु का नाम लें। God said, परमेश्वर ने कहा, My God shall, मेरा परमेश्वर पूर्ति करेगा, supply, मेरी जरूरतों के लिए। If you are looking for a husband, अगर आप एक पति की खोज में हैं, Lord, I thank you. तो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Giving me that husband. कि आपने मुझे वो पति दे दिया। If you need a child. अगर आपको एक बच्चा चाहिए। I thank you, Lord. परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद for करता birthing हूं me. कि मुझे जन्म देने के लिए that child. आपने वो बच्चा दे दिया। I thank you, Lord. परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता for हूं। giving me. मुझे देने के लिए my heart desire. मेरे दिल की इच्छाओं को। It's your desire. ये आपकी इच्छा है। That I should be happy. कि मैं खुश रहूं। And you are the source of my happiness. और आप मेरी खुशी का स्रोत हैं। You said, आपने कहा, In this world, इस संसार में, you have enough problems. तुम्हारे पास मुश्किलें काफी हैं। So what? तो क्या हुआ? Problem is problem. मुश्किल तो मुश्किल है। What is wrong with that? उसके साथ गलत क्या है? क्या डरना बात क्या है? Problem को डरना मंगता है? मरेगा तो डरना मांगता है और क्या है भाई? रिलैक्स। पास्टर आज क्या बोला?
Relax, relax, relax. You are resting in the arms of His love. चिंता ना करें आप उसकी प्रेम भरी बाहों में आराम पा रहे हैं. When you relax, what will happen? जब आप चिंता नहीं करते आराम में रहते तो क्या होता है? Isaiah 30. याशाया 30. 15 says. उसका 15 कहता है. By trusting God. परमेश्वर पर भरोसा करने के कारण. And resting in God. और परमेश्वर में विश्राम लेने के कारण. You get joy. आप आनंद प्राप्त करते हैं. You get strength. आपको शक्ति मिलती है. Tell somebody. किसी से कहें. Them that I am the happiest man in this world. इस संसार में मैं सबसे खुशहाल मनुष्य हूँ. We are the happiest people in this world. हम इस संसार में सबसे खुशमना लोग हैं. We are the happiest people in this world. इस संसार में हम सबसे आनंदित लोग हैं. Problem cannot discourage you. परेशानी हमें निराश नहीं कर सकती. Money cannot discourage you. पैसे हमें निराश नहीं कर सकते. Because I have my Father in heaven. क्योंकि मेरे पास मेरा पिता स्वर्ग में है. Father is मेरा पिता है. Very rich. बहुत धनी. He gives me joy. वो मुझे आनंद देता है. He gives me joy. वो मुझे आनंद देता है. He gives me wealth. वो मुझे धन को देता है. He gives me health. वो मुझे स्वास्थ्य को देता है. He is full of happiness. वो खुशियों से भरा हुआ है. Oh my Lord. मेरा प्रभु. I love you. मैं आपसे प्रेम करता हूँ. Tell the Lord I love you. परमेश्वर से कहें प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ. Tell the Lord I love you. प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ. When you love Him. जब आप उससे प्रेम करते हैं. He loves you back. वो आपसे वापस प्रेम करता है. He said. उसने कहा. My God shall supply. मेरा परमेश्वर. All my need. मेरी हर एक जरूरतों के लिए पूर्ति करेगा. The Lord is my shepherd. परमेश्वर मेरा चरवाहा है. And I lack nothing. और मुझे कुछ घटी ना होगी. In this world. इस संसार में. We lack nothing. हम इस संसार में कुछ भी बातों के लिए nothing can touch me. कुछ भी मुझे छू नहीं सकता. God said. परमेश्वर ने कहा. No weapon formed against you. कोई भी हथियार तेरे विरोध में नहीं shall arise. जो तेरे विरोध में खड़ा हो सके. Psalm 68 verse 1 says. भजन संहिता 68 का एक कहता है. Let God in you arise. कि परमेश्वर जो तुम में है वो उठे. And the enemy be scattered. और शैतान तितर बितर हो जाए. You have to laugh at the enemy. आपको शैतान के ऊपर हंसना है. Psalms 2 verse 4 says. Psalms 2 verse 4 says. भजन संहिता 2 का 4 कहता है. When the enemy gathers all the enemies, जब शैतान अपनी सारी मंडली के साथ एकत्रित होता है, God is doing, तो परमेश्वर क्या करता है? वो हंसता है. वो तो हंसता है. Jesus is laughing at it. यीशु उसके ऊपर हंसता है. When your father can laugh at the problem, जब आपका पिता मुश्किल को देखकर हंस सकता है, you are his daughter. आप उसकी बेटी हैं. You are his son. आप उसके बेटे हैं. If my father is not crying, अगर मेरा पिता नहीं रो रहा है, I will not cry for problem. तो मैं भी मुश्किल के लिए नहीं रोऊंगा. What my father is doing, जो मेरा पिता कर रहा है, when the problem came, जब परेशानी आएगी, he started laughing. वो हंसने लगता है. He started laughing. वो हंसने लगता है. He started laughing. वो हंसने लगता है. Bring all the enemies and problems together. सारे शैतान और सारी मुश्किलों को एक साथ ले आता है. I will send my fire upon them. और मैं उसके ऊपर अपनी आग को भेज दूंगा. And consume them. और उसको भस्म कर दूंगा. And I will give you victory. और मैं तुझे जय को दूंगा. I am a victorious man. मैं एक जयवंत मनुष्य हूँ. I am a victorious man. मैं एक जयवंत मनुष्य हूँ. We Christians are victorious. हम मसीह लोग जयवंत है. Born to be victorious. हम जन्मे ही इसलिए है कि हम जय को पाएं. My father has not failed anywhere. मेरा पिता कहीं पर भी हारा नहीं है. I will never fail anywhere. मैं भी कभी कहीं नहीं हारूंगा. I'm born to be a winner. मैं जन्मा ही जय पाने के लिए हूं. My father is a winner. मेरा पिता एक विजेता है. My father is a winner. मेरा पिता एक विजेता है. In him. उसमें. I am more than a conqueror. मैं एक जयवंत से भी बढ़कर हूं. In him. उसमें. We are here to conquer. हम जय पाने के लिए हैं. What do we conquer? हमें किस पर जय पाना है? We conquer.
हम जय पाएंगे the world, संसार के ऊपर for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए Ask the Lord, परमेश्वर से मांगे let your kingdom कि प्रभु तेरा राज्य come in me. मेरे अंदर आए Ask the Lord, प्रभु से कहें All of you pray, आप सब लोग प्रार्थना Lord, करें let your kingdom come in me. प्रभु आपका राज्य मुझ में आने सब पाए लोग प्रेयर कर दीजिए सब लोग मिलकर प्रार्थना करें let your kingdom come. प्रभु आपका राज्य आए let your kingdom come. आपका राज्य आए Everyone pray. सब लोग प्रार्थना करें Everyone prays. सब लोग प्रार्थना करें संधाला डिरे कोंबला बसुना कतला कुरंबिया अडरा गुबसांधाला गुच्छडा गरबन कडरंबिया इंबिला होरबना अगुडरंबिया बट्टक नीरा कबलखुना डिरे कोंबला बच्चुगुडा रगबट्टी नारा कबलकडरंबिया इसीरा गुनधाला गुडरंबिया नगुडरंबिया पुट्टक नीरा कबलकडरंबिया हडा रगबसुथुना In Jesus we pray. यीशु में हम प्रार्थना करते हैं. Thank the Lord that you answered my prayer. प्रभु को धन्यवाद करें कि उसने हमारी प्रार्थना सुनी. Psalm 116:1 says. भजन संहिता 116 का एक कहता है. I love the Lord. कि मैंने परमेश्वर से प्रेम किया. Because he answered my prayer. क्योंकि उसने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया. He answered my prayer. उसने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया. I love the Lord. मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा. Because he answered all my prayers. क्योंकि उसने मेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया. Can you thank the Lord? क्या परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं कि उसने आपकी जरूरतों के लिए जवाब दिया उसने आपके सपनों के लिए उत्तर दिया इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से हाउ विल यू प्रे आप कैसे प्रार्थना करेंगे हाउ विल यू प्रे आप कैसे प्रार्थना करेंगे यू नो व्हाट हैपेंड इफ यू प्रे इन हिंदी मलयालम तमिल ऑल दिस लैंग्वेजेस Satan is very crafty. He knows all these languages. आप जानते हैं अगर आप हिंदी में मलयालम में तमिल में या किसी भी भाषा में प्रार्थना करेंगे तो शैतान बहुत धूर्त है उसे वो सब भाषाओं को जानता है. Half of your prayer into his bosom. वो अपन आपकी आधी प्रार्थनाओं को अपने वश में ले लेगा. How do you overcome that situation? आप उस स्थिति के ऊपर कैसे जय पा सकते हैं? 1 Corinthians 14:1 says. 1 Corinthians 14 का एक कहता है. Practice love. प्रेम को अभ्यास में लाएं. Desire to prophesy. इच्छा रखें भविष्यवाणी करने के लिए. Pray in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करें. Pray in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करें. How many of you know how to pray in tongues? आप में से कितने लोग जानते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना? Lift your hand. अपने हाथों को उठाएं. Few people know it. कुछ लोग जानते हैं. Others are lying. बाकी लोग you said you don't know. Somebody said you don't know, right? किसी ने बोला वो नहीं जानता. Who said you don't know? किसने बोला नहीं जानते? Liar said. झूठे व्यक्ति ने कहा. Who is that liar? वो झूठा व्यक्ति कौन है? Satan in you. शैतान आपके अंदर. Is telling you. वो आपसे कह रहा है. You don't know how to pray in tongues. तुझे नहीं आता अन्य भाषा में प्रार्थना करना. Ask him to get out of me now. उसे बोले मेरे अंदर से निकल जाओ भी. Satan. शैतान. Go now. अभी चला जा. I know how to pray in tongues. मैं जानता हूँ कि कैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करना है. I know how to pray in tongues. मुझे पता है कि अन्य भाषा में कैसे प्रार्थना करना है. We all know how to pray in tongues. हम सब लोग जानते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना. We all know how to pray in tongues. हम सबको पता है कैसे प्रार्थना करना. I have the spirit of Jesus in me. हमारे अंदर यीशु का आत्मा है. The spirit of Jesus. यीशु का आत्मा. Is spirit of praying in tongues. वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करने का आत्मा How many of you have spirit of Jesus? आप में से कितने लोगों के अंदर यीशु का आत्मा Lift है your hands. अपने हाथों को उठाएं We all have Jesus. हम सबके अंदर We all have the spirit of Jesus. हम सबके अंदर यीशु का आत्मा है Spirit of Jesus. यीशु का आत्मा has 9 gifts. उसके 9 वरदान हैं One of them is एक है praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करना फ्रॉम टुडे आज से यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस आप इसका अभ्यास करेंगे प्रैक्टिस विल मेक यू अभ्यास करना आपको सिखाएगा परफेक्ट आपको सिद्ध बनाएगा इन हेवन स्वर्ग में देयर इज नो मलयाली प्रेयर मीटिंग वहाँ पर मलयालों की प्रार्थना सभा no नहीं Hindi होती प्रेयर मीटिंग हिंदी भाषियों की भी प्रार्थना सभा नहीं होती They all rejoice and dance and joyfully dance. वो सब आनंद के साथ नाचते हुए आराधना they करते speak हैं in the language of the Lord. वो परमेश्वर प्रभु की भाषा में बात करते in heaven, हैं they speak in the language of the Lord. स्वर्ग में वो परमेश्वर प्रभु की भाषा में बात करते हैं If there is language in heaven, अगर स्वर्ग में एक भाषा है That language came to Delhi. तो वो भाषा दिल्ली में भी आ गई है Heaven came down and glory filled my Delhi. Amen.
The language of heaven has come down to heaven. स्वर्ग का जो come down to Delhi. स्वर्ग का भाषा दिल्ली में आ गया है. क्या बहन वो आपके पास आई? Spirit of Jesus has come to you. यीशु का आत्मा आपके अंदर है. Spirit of Jesus has come to you. यीशु का आत्मा आपके पास आया. That spirit is praying in tongues. वो ही आत्मा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला है. तो आज से I'm going to pray always in tongues. मैं निरंतर अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा. When you pray always in tongues, what happens? जब आप निरंतर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? Who prays this? तो आपके अंदर कौन प्रार्थना Jesus कर रहा है? Sitting in me. यीशु जो मेरे अंदर बैठा है. Not in heaven. स्वर्ग में नहीं. In my heart. मेरे दिल में. The day I accepted Jesus. जिस दिन मैंने यीशु को अंगीकार किया. He took residence in my life. उसने मेरे जीवन में अपना गृह स्थान बना लिया. I just jumped into his heart. और मैंने उसके हृदय में प्रवेश किया. My heart is his heart. अब मेरा दिल उसका दिल है. Pure in heart will see God. शुद्ध हृदय वाले परमेश्वर को देखेंगे. मैं आपके अंदर परमेश्वर को देखता हूँ. मैं आपके अंदर परमेश्वर को देखता हूँ. मैं आपके अंदर परमेश्वर को देखता हूँ. जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे. वो दिल स्पीक्स बोलता है heavenly language. स्वर्गीय भाषा. Are we happy that we can talk in heavenly language? क्या हम खुश हैं कि हम स्वर्गीय भाषा में बात कर सकते Shall हैं? We all practice? क्या हम उसका अभ्यास करें? आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें. हम सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें यीशु के नाम से. ಬಿಸ್ಕರಾ ಧನಗುಡರಂಬಿಯ ಬಟ್ಟುಗಿನಿ ರಗಬಲ್ಕುನ ಗುಡರಂಬಿಯ ಬಶುಕುಲ ಬಿಕಾರ ದುನಕಲಾಂ ಬಿಶುಕುರ ಧನಗುಡರಂಬಿಯ ಧೀಗರೋನ ಕಡರಂಬಿಯ ಹುಡಿಗರಾನ ಗುಡರಂಬಿಯ ಬಟ್ಟುಗಿನಿ ರಗಬಲ್ಕುನ ಗುಡರಂಬಿಯ ಆಡಗುರಾನ ಗುಡರಂಬಿಯ ಸುಧಾಲ ಗುರಂಬಿಯ ಬಾರಗಬಾ ಸುಂದರ ಕಚ್ಚುಪರಾನ ಗುಡರಂಬಿಯ ಆಡಿಗರಾನ ಗುಡರಂಬಿಯ ಬಟ್ಟುಗಿನಿ ರಗಬಲ್ಕುನ ಗುಡರಂಬಿಯ ಸಿರಿಯಲ ಹೊರಂಬನ ಗುಡರಂಬಿಯ ಬಟ್ಟುಗಿನಿ ರಾಘಬಲ ಕುಡರಂಬಿಯ ಭಾಸ್ಕತರಂಬಿಯ ನಕುಲಂಬಿಯ ರಘುನಿ ಕಡರಂಬಿಯ ಭಾಸ್ಕತರಂಬಿಯ ನಕುಲಂಬಿಯ ನಕುಡರಂಬಿಯ सब लोग प्रार्थना करें. रूह तू नम शांति रे. जो आत्मा में प्रार्थना करे ओ रबाल बशथरा ओ रबशथरे ओ रबाल बाल बशथरी आसिया थुर बाल बाल बशथरे. पवित्र आत्मा धन्यवाद. पवित्र आत्मा धन्यवाद. पवित्र आत्मा धन्यवाद. ओ यीशु का नाम है. यीशु का नाम है. हमारी सारी जरूरतें आप पूरा कर रहा है. मसीह यीशु में हमारी सारी जरूरतें आपने पूरा किया. धन्यवाद. ओ प्यारे पिता धन्यवाद करते. आपने हमारा जरूरतों को पूरा किया. धन्यवाद. धन्यवाद. यीशु का नाम है. आमेन. हालेलुया. मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह इस धरती पे मनुष्य बनकर आया. यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा और बहुत सारे भीड़ आया. यीशु मसीह तुरंत एक पहाड़ के ऊपर चढ़ा और वहां पर बैठा. यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया. मत्ती रजी सुसमाचार उसका पांचवें अध्याय उसका पहला पद मैंने उसका तीसरा पद जल्दी से पढ़ेंगे. मैथ्यू चैप्टर 5:3. धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. हालेलुया. धन्य है जो मन में दीन है. लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है धन्य है वो आत्मा में गरीब है. पुअर इन स्पिरिट. सबका जीवन में
आपका जीवन में फाइनेंस की ज़रूरत होगा, आपका जीवन में बच्चों का शादी की ज़रूरत होगा, पढ़ाई की ज़रूरत होगा, ये सारी ज़रूरत आपका जीवन में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन ज़रूरतों के बारे में कुछ नहीं बोला। यीशु ने बोला आमीन जिसका पास पैसा की कमी है बाजा वो सारे पैसा ले जाओ, नहीं बोला। यीशु ने बोला धन्य है वो आत्मा में दरिद्र है। आपको मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का राज्य पास का व्यक्ति को बोलो वो राज्य है, परमेश्वर का राज्य भरपूरी का राज्य है। दो राज्य के बारे में हमें समझना है। जब आप इस संसार में रहेगा संसार में बहुत सारे प्रॉब्लम, बोलो संसार में बहुत सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आमेन। लेकिन जब आत्मा में आप दरिद्रता अनुभव करेंगे, आपका जीवन में कंगालपन अनुभव करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपकी आत्मा से मुझे भर दे, आपका सोच बदलेगा, जीवन बदलेगा, आपका राज्य बदल जाएगा। फिर परमेश्वर धन्य है वो आत्मा में दरिद्र है परमेश्वर का राज्य। क्या चाहिए बोलो? परमेश्वर का राज्य चाहिए। आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है, उस राज्य का राजा यीशु मसीह है, उस राज्य में किसी भले वस्तु की कमी नहीं है, बोलो भरपूरी है, अबंडेंस है। दुनिया में कमी दिखाई देगा लेकिन परमेश्वर के राज्य में अबंडेंस। हालेलुया। आप कौन सा राज्य में रहना चाहते हैं? ओ, सुबह से शाम तक दुनिया के बारे में सोचते हैं, दुनिया मेरा कपड़ा नहीं मिला, पैसा है। पास का व्यक्ति को बोलो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। आत्मा में आप दरिद्र हो जाए, दरिद्र आई मीन पुअर इन स्पिरिट। लॉर्ड फिल मी विथ योर स्पिरिट इन माई लाइफ। परमेश्वर अपनी आत्मा में मुझे भर दे। आप एक आत्मा में चलने वाला व्यक्ति बन जाए। मैं आपको बता देता हूं परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं क्या हो जाते हैं, और परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगा, फिर वो संसार की बातें नहीं सुनेगा परमेश्वर की बातें सुनेगा। यू वॉन्ट टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, यू वॉन्ट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज सुनेगा। आमीन। आपको पता है एलिया परमेश्वर की आवाज सुनते थे। एलिया को परमेश्वर ने बोला तू केरीत की किनारे पे जाओ, केरीत का नाले का किनारे पे जाओ, मैं तेरे लिए खाना देने के लिए कौवा को आज्ञा दिया। बोलो कौवा खाना देगा। आमीन। परमेश्वर की आवाज सुनने वालों के लिए प्रोविजन कहीं से भी आ जाएगा। हालेलुया। दुनिया में बहुत अकाल चल रहा है लेकिन आमीन यहां पर एलिया को सुबह शाम पीवा अच्छा रोटी और मांस सब कुछ मिल रहे। क्या बात है। पास का व्यक्ति को बोलो आत्मा में चलने वालों को भरपूरी है। लेकिन केरीत का पानी खत्म हो गया, केरीत का पानी खत्म हो गया, नदी सूख गया। परमेश्वर ने बोला हे एलिया तुम सराफेत में जाओ, हूं मैं एक विधवा को आपका आमीन खाने का इंतजाम कर दिया है। हालेलुया। पास के व्यक्ति को बोलो पवित्र आत्मा की आवाज सुनेगा, आपका प्रोविजन कहीं से भी आ जाएगा। दुनिया में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं परमेश्वर की आवाज उसमें नहीं है। हालेलुया। न्यूज आमीन सुबह से शाम तक आप यूट्यूब देखेगा परमेश्वर की आवाज शायद उसमें नहीं मिलेगा, और आप टीवी देखेगा सारे टीवी चैनल का न्यूज देखेगा परमेश्वर की आवाज उसमें नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनना है आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। बोलो पूरा गुड न्यूज है। परमेश्वर की आवाज में क्या है? पूरा गुड न्यूज है। बाइबल के अंदर गुड न्यूज है। हमें दुनिया में पूरा बैड न्यूज है। कौन सा सुनना है? सुबह से कुछ लोग मैं पहले प्रभु में आने से पहले हमें सुबह न्यूज़पेपर ना मिले तो खाना ना मिले कोई दिक्कत नहीं, न्यूज़पेपर पूरा पढ़ते कौन सा न्यूज है। लेकिन पवित्र आत्मा से भर गया सारे न्यूज़पेपर बंद, टीवी बंद, आप हमारे घर पे आओ कोई टीवी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम बैड न्यूज सुनना
बंद कर दिया, अब गुड न्यूज आ गया, फिर बैड न्यूज क्यों सुनना है? हालेलुया, बोलो गुड न्यूज आ गया। हालेलुया, यीशु मसीह की आवाज सुनते हैं वहां पर बैड न्यूज है ही नहीं। हालेलुया, वो कैसे सुनेंगे? बोलो पवित्र आत्मा से भर जाओ, हम इन गुड न्यूज सुनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा जो आत्मा में दरिद्र है धन्य है वो, परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, और परमेश्वर की आमन के रीत में गरीब से हमें वो कहां गया? सारेफत का विधवा के पास। सारेफत का विधवा बोला, विधवा को देखते ही बोला मेरे लिए एक रोटी बना के लेके आना, आना पानी लेके आना। पानी लेने के लिए वो जा रहे थे, बोला एक रोटी भी लेके आना। ये स्त्री ने बोला मेरे पास एक मुट्ठी आटा है, हमें देश में अकाल चल रहे, आखिरी मुट्ठी आटा है, हम मैं उसको खाएंगे और मेरा बेटे को भी खिलाएंगे, उसके बाद हम मरने जा रहे हैं। अरे परमेश्वर की आवाज सुनेगा हमें, जहां पर मरने की आवाज सुनेगा वहां पर जीवन आना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, पास का व्यक्ति को बोलो हमें आप परमेश्वर की आवाज सुने, मरने वालों का हमें जगह पे आपको परमेश्वर भेजेगा, वो जीवित होना शुरू हो जाएगा। हमें जिसका घर पे कमी है वहां पर भरपूरी आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद उसको बात मानना है। ये स्त्री को बोला वो एक मुट्ठी आटा है ना, एक रोटी बना के मुझे लेके आओ, हमें आपका जीवन में परम हम है तो बोलेंगे हे ये भविष्यवक्ता कहां से आया, मेरा घर की सब कुछ। पास का व्यक्ति को बोलो परमेश्वर की भविष्यवक्ता की आवाज आप सुनना सीखो, मानना सीखो। हमें एलिया एक परमेश्वर की भविष्यवक्ता था, आज भी परमेश्वर की भविष्यवक्ता है। हालेलुया, मैं आपको बोलना चाहता हूं आज भी परमेश्वर की भविष्यवक्ता है। मैं आपको भविष्यवाणी के रूप में कहता हूं दुनिया में अकाल चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा से भरा वो लोग भरपूरी में जिएंगे, भरपूरी में जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, इतना भी नहीं है, आप बहुत लोगों का जीवन में बिजनेस में उनका जीवन खत्म हो गया, बहुत कर्ज में आ गया, वो मरने की हालत में है, आप वहां मर जाएगा तो वो जीवित हो जाएगा। भविष्यवाणी है आज भारत के अंदर की हजारों बिजनेस लोग अपने जीवन में मौत चाहते हैं, अब हम कहां जाए, अब कर्ज कहां से चुकेंगे, अब हमारा जीवन में क्या हो जाएगा, परमेश्वर की भविष्यवक्ता का पास आएगा, उनका मृत्यु जीवन में बदल जाएगा। हालेलुया, उनकी अकाल भरपूरी में बदल जाएगा। इस समय परमेश्वर की आत्मा की आवाज की जरूरत है। You are the word of God. You are the voice of God. आपके पास का व्यक्ति को बोलो परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ, You will be the voice of this nation. आप इस देश की आवाज बन जाएगा, आप इस देश की आवाज बन जाएगा, मरने वालों को जीवन देने वाला बन जाएगा, हमें गरीबों को भरपूरी देने वाला बन जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा जो आत्मा में दरिद्र है हमें वो परमेश्वर के राज्य की वारिस बन जाएगा, परमेश्वर के राज्य मेरे पास है। हालेलुया, आई एम टेलिंग यू दिस इज द टाइम ऑफ दिस नेशन। हमें चर्च विल कम अप, आई एम राइज अप, हमें कलीसिया जाग उठे, हमें शाइन शाइन, परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का समय आ गया है। बहुत अकाल में जा रहा है लेकिन हम भरपूरी में जा रहा है। बोलो बहुत अकाल में रह रहा है, हम भरपूरी में जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोविजन स्वर्ग से आते हैं। एलिया को हमें सारेफत का विधवा हमें एक रोटी लेके आया, हमें बाइबल कहते हैं सारेफत की विधवा की बर्तन काली नहीं हुआ, भरपूरी आ गया। इन दिनों में जो काली बर्तन है ना, काली बर्तन है ना दुनिया में, वो लोग परमेश्वर के राज्य में अपना लेके आएगा, भरपूरी अनुभव करना शुरू करेगा। हालेलुया, कितने लोग बोलेंगे भरपूरी। इसलिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा से भरना है। पैसा का कमी में कोई फर्क नहीं पड़ता, पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्यास। 21 साल पहले मैं कर्ज में था, 21 साल पहले एक मीटिंग में मैं ऐसे गया, उस मीटिंग में किसी ने पवित्र आत्मा के बारे में बोला, मैंने बोला वो पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, पास्टर ने बोला अपनी आंखें बंद करो, ये पवित्र आत्मा जिसको चाहिए वो लेना शुरू करो, मांगना शुरू करो, मैंने आंख बंद कर दिया। मेरे जीवन में बहुत सारे समस्या,
आर्थिक तंगी, परिवार का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मैंने बोला सब कुछ साइड में हो जाओ, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। आज यहाँ पर आए वो लोगों को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जीवन में बहुत सारे समस्या हो सकते हैं, सबको साइड में करके बोलो मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आई हैव अ थर्स्ट फॉर माई जीसस, आई हैव अ थर्स्ट फॉर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। आमीन। मैं पवित्र आत्मा के लिए प्यासा है। हालेलुया। मैं आंखें बंद कर दिया, मैंने बोला मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए। लॉर्ड फिल मी विथ योर स्पिरिट, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। 21 साल पहले परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भर दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा अकाल खत्म हुआ है, हजारों की अकाल खत्म करने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दे दिया। हालेलुया। कुछ लोग चर्च में आने के बाद में अकाल में, अकाल में, संसार की बात है, पैसा की बात है, छोड़ दो ना यार, हमारा प्रोविजन स्वर्ग से आते हैं। हालेलुया। यू आर अ स्पिरिट फिल्ड पर्सन, योर डेस्टिनी विल बी चेंज्ड। आपका सोच बदल जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज सुनेगा। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे मुझे परमेश्वर की आवाज सुनना है, अपनी जगह में खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। हो रबाला बस शांत हरियांथ नहीं, हो रबाला बस शवड बाला बस यांथ रहे, हो रबा खांसियांथ रे आंथो नो मश्यांथ रे। प्यारे पिता धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कुछ लोग अपने मुंह खोल कर धन्यवाद करें। आप अपनी समस्या, आपकी परेशानी, आपकी बातें हैं, सब बातों को बोलो साइड में हो जाओ। I need the spirit of the Lord. मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। Oh, fill me with your spirit, O Lord. The spirit of wisdom, the spirit of knowledge, the spirit of truth, the spirit of courage. Oh, the spirit of wisdom. I need your Lord. I need your spirit, O Lord. Hura baba baba shandare. Open your mouth. Open your mouth and ask. प्रभु ने कहा मांग तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तो मिल जाएगा। हो रियांतनामशे, every problem is disappearing in front of you. आपका जीवन से, आपके सामने से समस्या disappear हो रहा है। हे हालेलुया, सारफेत का विधवा, तेरा जीवन की मौत हमें हमेशा के लिए भाग रहा है, तेरा जीवन की समस्या हमेशा के लिए भाग रहा है। हुरा बाबा बा, हमें आपका प्रविशन स्वर्ग से आते हैं। स्वर्ग में अकाल नहीं है, परमेश्वर के राज्य में अकाल नहीं है, किंगडम ऑफ गॉड में अकाल नहीं है। I am a kingdom person. मैं परमेश्वर की राज्य का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की राज्य की बेटी हूँ। मेरा राज्य में अकाल नहीं हो सकता। मेरा राजा अमीर है, मेरा राजा अमीर है, मेरा राजा सारे संपत्ति का मालिक है। He is the richest man. Oh, Rabba, Baba, Shantariya. He will provide all my needs. He will supply all my needs. प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं, आपने आज हमसे बात किया, धन्यवाद। एक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए, इन दिनों में पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास सबका जीवन में दे। हमें प्यास और भूख पवित्र आत्मा के लिए दे। प्यारे पिता हम विश्वास करते हैं आपका जन इन दिनों में यीशु आपकी महिमा के लिए शाइन हो जाएंगे, बहुत आशीषित हो जाएंगे, बहुत जातियों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे हम। प्रभु आपने इसे कर दिया, धन्यवाद, महिमा आपको मिले, यीशु का नाम है, आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु हमें आशीष करे। थर्सडे फास्टिंग प्रेयर होंगे, जरूर आना है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा सुबह का प्रार्थना